एशियाई शेर के धड़ में नीचे की तरफ झूलती खाल उसे जेनेटिकली अफ्रीकी शेरों से अलग पहचान देती है। कभी तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप पर इनका राज था, आज ये सिर्फ भारत में बचे हैं, गुजरात के इस हिस्से में। अपनी किस्म के ये आखिरी शेर हैं। कई मामलों में ये भी अफ्रीकी शेरों जैसे ही हैं। ये भी झुंड बनाकर रहते हैं और सांबर जैसे बड़े शिकार ये मिलजुल कर ही करते हैं। सांबर का वजन 450 किलो तक हो सकता है। इन दोनों शेरनियों ने शिकार की खास तरकीब निकाली है। एक शिकार को पकड़ेगी, वो शिकार के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहते हुए मौके का इंतजार करेगी। दूसरी शिकार को घेरने के लिए दूसरी तरफ से आएगी और शिकार को पहली शेरनी की तरफ जाने पर मजबूर कर देगी। तरकीब अच्छी है पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कामयाब रहेंगी। शेरों की बढ़ती आबादी से खुद उनका जीवन कठिन हो गया है। हर शेर को अपना इलाका चाहिए, इसलिए इनके आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला गिर फॉरेस्ट इतने सारे एशियाई शेरों के लिए काफी नहीं है। दबंग शेर बाकी शेरों को जंगल के बाहर खदेड़ देते हैं, वहां जहां उनका पाला इंसान से पड़ता है। इन चारों शेर बच्चों का बाप अपना इलाका बचाते हुए मारा जा चुका है। ये भी मारे जाते अगर वहां से जान बचाकर ना भागते। कई लोग सोचते हैं कि उनके मवेशी सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि आसान शिकार के लिए शरणार्थी शेर गांव की तरफ आने लगे हैं, पर हकीकत कुछ और है। सूरज डूबा तो ये नौजवान शेर जंगल की हद लांघने निकल पड़े। एक थर्मल कैमरे की मदद से हम घोप अंधेरे में भी इनकी सारी हरकतें देख सकते हैं। जंगल की हद है ये सड़क जिसे ये बेहिचक पार कर जाते हैं। देखते ही देखते वो एक गांव के खेतों में दाखिल हो जाते हैं। शेरों के गुप्त संसार की ये एक अनूठी झलक है। रात के सन्नाटे में शेरों को इतनी दूर से भी लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक कामयाब शिकार के लिए जरूरी है कि शेरों को हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई दे जाए, क्योंकि हर आवाज में होती है जरूरी जानकारियां। गांव की गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं,
भैंसे अपने स्थान पर आराम फरमा रही हैं और आवारा मवेशी यहां वहां भटक रहे हैं। जब तक कुत्ते जाग रहे हैं, शेरों की भलाई गांव से दूर रहने में ही है, लिहाजा शेर यहां से आगे बढ़ जाते हैं। यहां से 20 किलोमीटर दूर के गांव में एक बड़ा शेर किसी के मवेशी को मार गया है। कौन जाने वो इसे खाने लौटेगा कि नहीं। क्या पता वो आसपास ही कहीं आराम कर रहा हो, पर थर्मल कैमरे से भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन इस बात से ये गांव वाले जरा भी परेशान नहीं लग रहे। मारे गए मवेशी के पास ही एक परिवार अपना खाना खा रहा है। बहरहाल खेतों के उस तरफ से एक बड़ा सा शेर गांव की तरफ ही आ रहा है। खाने का मजा लेते परिवार को एहसास ही नहीं है कि उन पर किसी खूंखार शिकारी की नजरें हैं। ग्यारह बजे तक गांव की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। अब शेर अपनी दावत का मजा लेगा। घर का मालिक बाहर आता है तो जंगल के राजा को अपने आंगन में मौजूद पाता है। बातों बातों में पूरे गांव को खबर हो जाती है। शेर को देखने पूरा गांव भागा आता है, पर बिना किसी हिफाजत के शेर के सामने जाना तो निरा पागलपन ही होगा। दक्षिणी गुजरात के एक गांव में बड़ा सा शेर आया तो गांव वाले भी बिना कोई हथियार लिए उसे देखने पहुंच गए। पर जंगल के राजा ने उन्हें मुंह ही नहीं लगाया, वैसे उन्हें डराया भी नहीं उसने। भीड़ ने भी उसके लिए वही आदर दिखाया। जब पेट भर खाकर शेर जाने लगा तो बहादुर गांव वाले उसकी एक आखिरी झलक पाने को पीछे पीछे हो लिए। और फिर जिंदगी उसी ठर्रे पर लौट आई। हैरानी यह है कि मारे गए मवेशी का मालिक उत्तेजित नहीं था। मेरी बेटी यहाँ सो रही थी और मेरी माँ और पिताजी यहाँ सो रहे थे और मैं यहाँ सो रहा था, जमीन पर, यहाँ पर।
इस आदमी ने शेर को बैल मारते हुए देखा था। बैल वहाँ गौशाला में बंधा था। वो बहुत डर गया था और इधर उधर भाग रहा था। वो रस्सी तोड़कर भाग जाना चाहता था, तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। शेर गांव में आते जाते रहते हैं। गांव के बड़े लोग उनसे नहीं डरते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ मवेशी और हमारे बच्चे भी रहते हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है। गांव के लोग बहुत खुश थे। वो गांव में आए शेर को देखकर वाकई बहुत खुश थे। वजह ये थी कि उन्हें शेर को देखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा था, आराम से घर में बैठे बैठे ही उसे देख सकते थे। गुजरात के ये लोग भी कमाल के बहादुर हैं, जो शेर जैसा पड़ोसी पाकर खुश है। कोई और देश होता तो अपने मवेशियों के शिकारी को लोग कब का मार गिराते, फिर ये लोग इतनी सहजता से यूं बेपरवाह क्यों बैठे हैं? ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि गए दिनों में शेर और इंसान के बीच एक तकलीफ देह रिश्ता हुआ करता था। एक वक्त था शेर तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप में पाए जाते थे, आज ये सिर्फ इसी जगह सिमट कर रह गए हैं। हर जगह राजाओं और नवाबों से लेकर देहातियों तक ने इनका इतना शिकार किया कि शेरों का वंश मिटने तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी आधी गुजरने तक भारत के बाहर इनका नामोनिशान मिट गया। भारत में भी ये सिर्फ 20 के करीब ही बचे थे, लेकिन फिर जूनागढ़ के नवाब ने शेरों के शिकार पर रोक लगाकर इन्हें खत्म होने से बचा लिया। आज भारत में 500 से भी ज्यादा जंगली शेर हैं। इसे कहते हैं वंश रक्षा। गिर फॉरेस्ट में जिंदगी की अच्छी चहल पहल है। शेरों के लिए यहां भरपूर शिकार है। ढोर डंगर दूर रहने से जंगली जिंदगियां भी खूब खिली हैं। चीतल पहले से 10 गुना ज्यादा हो गए हैं, सांबर 5 गुना, जंगली शूकर और भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप नीलगाय 3 गुना। फिर तो यहां शेर के लिए शिकार की बहार होनी चाहिए, पर यही धारणा तो गलत है। दरअसल जानवरों की भरमार हो तो शिकार करना और मुश्किल हो सकता है। भोजन की तलाश में लंगूर और चीतल अक्सर साथ साथ ही घूमते हैं। दूर से शेर को आते देख ये लंगूर और बंदर शोर मचाकर चीतल को खबरदार कर देते हैं और शेर के लिए यहां ये अकेली दिक्कत नहीं है। घने जंगल में शेर के लिए दूर तक देखना मुश्किल होता है, पर सुनना आसान। इस शेरनी को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये बहुत सब्र से दबे पांव शिकार के एकदम करीब पहुंचेगी, तभी एक झपट्टे में उसका काम तमाम कर पाएगी।
करीब आते आते मौका हाथ से निकल गया। गिर फॉरेस्ट में शेरों की सबसे बड़ी दिक्कत है ये सूखे हुए पत्ते जो पूरे जंगल में बिछे रहते हैं और खरखराकर शिकार करना दूभर कर देते हैं। यहां साल भर में सिर्फ 600 मिलीमीटर बारिश होती है और 12 में से 9 महीने जंगल सूखा पड़ा रहता है। यहां शिकार मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि भूखे शेर एक दूसरे को ही मरने मारने पे उतारू रहते हैं। इलाका हथियाने के लिए शेर झुंडों में जबरदस्त जंगें छिड़ी रहती हैं। जंगल में जख्मी शेर आम दिख जाते हैं। तेंदुए भी इसका शिकार बनते हैं। मुकाबले में कोई भी हो शेर उसे बर्दाश्त नहीं करता। जब ये पूरा जंगल तेंदुओं का इलाका था पर आज उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाता है। एशियाई शेर गिर के जंगल से बाहर आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये जंगल इतने सारे शेरों के लिए छोटा पड़ रहा है। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब मालधारी लोग यहां अपने मवेशी चराने आया करते थे। शेर मवेशियों को भी वैसे ही मार खाते थे जैसे जंगली जानवरों को। उनके शिकार ज्यादातर बूढ़े और बीमार पशु होते थे। गुजरी सदी में शेरों की जिंदगी ज्यादातर इन मवेशियों के भरोसे ही कट रही थी। ज्यादातर मालधारी जंगल छोड़कर 21वीं सदी के शहरी भारत की जिंदगी अपना चुके हैं। पर मालधारी लोगों का मानना है कि उनके पीछे पीछे शेर भी जंगल से बाहर चले आए हैं। पिछले कुछ अरसे में शेरों की तादाद संरक्षित जंगल से ज्यादा जंगल के बाहर बढ़ी है। आज पूरे दक्षिणी गुजरात में शेर पाए जा रहे हैं। यहां शेर और आदमी के बीच बड़ा अनूठा सा रिश्ता बन गया है। यहां शेर समाज का सम्मानित सदस्य है। उसकी खास हिफाजत की जाती है। फॉरेस्ट रेंजर्स ने दो श्रेणियों को लुभाकर खुले में लाने के लिए एक मरा हुआ मवेशी डाल रखा है। उनका ख्याल है कि एक शेरनी की टांग टूट गई है। गुजरात में बीमार शेरों पर बंदूक चलाई जाती है पर उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से बेहोश करने के लिए।
जंगली जानवरों को बचाने वाली टीमें यहाँ दिन रात काम करती हैं। दुनिया में सिर्फ 500 एशियाई शेर हैं, इसलिए एक एक शेर अनमोल है। वो उसकी हालत का अंदाजा लगाते हैं और तय करते हैं कि उसे अभी और इलाज की जरूरत है। रेस्क्यू सेंटर में घायल शेरनी भी वहीं पहुंच जाती है जहां दूसरे खूंखार जानवर अपना इलाज करवा रहे हैं। ये शेरनी एक कुएं में गिर पड़ी थी और डूबते डूबते बची है। यहाँ वो शेर शेरनियां भी हैं जो बीमार नहीं हैं, लेकिन जिन्हें पब्लिक की सुरक्षा के लिए यहाँ रखा गया है। इस शेरनी ने एक आदमी को मार डाला था। अब ये और इसके दो गुस्सैल बच्चे तब तक यही रहेंगे जब तक कि टीम इनके भविष्य के लिए प्लान नहीं बना लेती। ये टीम सिर्फ शेरों को ही नहीं बचाती बल्कि लोगों को भी ये सीखने में मदद करती है कि इन परभक्षियों के पड़ोस में सुरक्षित कैसे जिया जाए। यहां हर कहीं शेरों की निशानियां हैं। वन विभाग के ट्रैकर्स शेरों की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि गई रात यहाँ कैसा हंगामा हुआ था और दो शेर एक समूचा बड़ा मवेशी खा गए। गांव के शेर दिल लोग शेरों से कुछ ही मीटर दूर खड़े तमाशा देखते रहे और शेर खा पी कर उजाला होने से पहले ही चुपचाप चले गए। यहाँ ना शेरों को मारा जाएगा ना कोई बदला लिया जाएगा, पर वन विभाग के लिए ये जानना जरूरी है कि शेर कहाँ है और अब उनकी मंशा क्या है। शेर के पंजों के निशानों का पीछा करते करते ट्रैकर्स खेतों के पार एक झाड़ीदार जगह पर पहुंच जाते हैं। गांव से बस 1 किलोमीटर दूर इन झाड़ियों की छाया में उन्हें वो दोनों शेर आराम करते मिल जाते हैं। खाने के बाद शेरों को पानी भी पीना होता है और यहाँ आसपास बस यही एक तालाब है जहाँ मवेशी पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से ही शेरनियाँ अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। इन बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। पैरों में कांटे चुभने के कारण लंगड़ाती दोनों शेरनियां अपने असहाय बच्चों के साथ मजबूरी में खुले में निकल आई हैं। लगता है ये इन्हीं शेरों के बच्चे हैं, वरना ये अब तक इन्हें खा चुके होते। ये पानी अब सबका साझा है। दो शेरनियों का 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर पाना बहुत बड़ी कामयाबी है और किसी गांव के इतना करीब रहकर ये कर पाना तो चमत्कार ही है। यहां इंसान शेरों के पड़ोसी है। ये शेर जंगल से आए शरणार्थी नहीं माने जाते, ये उनका घर है। पर यहां ये जिएंगे कैसे, वो भी इतने छोटे बच्चों के साथ।
ज्यादातर शेर, खासकर इंसान के पड़ोस में रहने वाले शेर, रात में ही चुस्त और व्यस्त रहते हैं। स्पेशल नाइट कैमरा भारत के इन शेरों का अनोखा नजारा दिखाते हैं। दिन ढलने के घंटों बाद तक शेर सोए रहकर दिन भर तपे तन को ठंडा करते हैं, मगर रात के 10 बजे के आसपास नन्हे बच्चों की दुनिया देखने की इच्छा जगती है। अब माहौल ठंडा भी है और घूमने के लिए सुरक्षित भी। माँ बच्चों को अपने पीछे आने के लिए पुकारती है। और सब मेन रोड की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ के खेतों में जाने के बजाय ये सब सड़क के रास्ते अगले गांव की। दक्षिणी गुजरात की एक सड़क पर एक शेर परिवार पक्की सड़क से एक गांव की तरफ बढ़ा जा रहा है। वो ठिठक कर सुनते हैं कि कहीं किसी शिकार की आहट तो नहीं, या फिर उनके बच्चों के लिए कोई खतरा तो नहीं। गाड़ी की आवाज सुनते ही शेर सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में गुम हो जाते हैं। शेरों को इसी गांव में आना था, लेकिन शेर के नन्हे बच्चों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। यहां मवेशियों की बेशक भरमार है, मगर शेर के बच्चे कुत्तों का शिकार बन सकते हैं। कुत्ते शेरों को देखते ही भौंक भौंक कर पूरे गांव को खबरदार कर सकते हैं। फिलहाल मवेशी सुरक्षित हैं। मजे की बात यह है कि कुत्ते खतरा भाप कर इकट्ठे तो हुए हैं, पर खतरा उन्हें शेरों से नहीं, तेंदुओं से है, जो उनके सबसे बड़े शिकारी हैं। गांव के बाहर चिंकारे कुत्तों से बेखौफ खेत चरते हैं। जंगली शुकरों के झुंड अभी अभी बोई खेत उजाड़ खाते हैं। और नील गाय तो हर तरफ दिख जाती हैं। शिकार के लिए इससे अच्छी जगह क्या होगी। शेरों के नन्हे बच्चे यहां भी बड़ी आसानी से किसी का शिकार बन सकते हैं। ये एक दूसरे झुंड का नौजवान शेर है। पर चांदनी रात में नील गाय उसे दूर से ही देख लेती हैं और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखती हैं। इस शेर की उम्र अभी सिर्फ 18 महीने की है। कच्ची उम्र का शेर अभी घात लगाकर शिकार करने का हुनर नहीं सीख पाया है। शिकार ना मिला तो वो मायूस होकर चला गया। शेरनियों और उनके बच्चों को भी यहां खाने को कुछ नहीं मिला। कई भूखे परभक्षी और मुर्दाखोर भी यहां भटक रहे हैं।
ऐसा धारीदार लकड़बग्घा बहुत कम देखने में आता है। ये मुर्दाखोर बड़े शर्मीले होते हैं और मुर्दा जानवर की गंध बहुत दूर से ही सूंघ लेते हैं। शेरों की जूठन इनके जीने का बड़ा सहारा है। ये यहाँ जंगल से भागकर नहीं आया, ये यहाँ के लोगों के बीच रहने वाला प्राणी है। यहाँ गोल्डन सियार भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। लीजिए, नादान बच्चे अपने से कहीं बड़े लकड़बग्घे को मारने चले हैं। दिन में सियार कहीं दुम दबाए दुबके रहते हैं, पर आज रात हर कहीं सियार ही सियार दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार लकड़बग्घे को एक मरा हुआ जानवर मिल ही गया, पर इसे पता है कि मुसीबत भी बस आती ही होगी। शेर की खुराक का एक तिहाई हिस्सा भी मुर्दा जानवर ही होते हैं। लकड़बग्घे की भलाई इसी में है कि अपना भोजन कहीं और ले जाकर खाए। सियारों को एक और मुर्दा जानवर मिल गया है, पर इन बेचारों की किस्मत में फिलहाल खाना खाना नहीं लिखा। जाने कहां से ये शेरनी आ धमकी और उनका खाना खुद हड़प कर खाने लग गई। पर एक बार में 20 किलो तक ही तो खाएगी। सियारों और लकड़बग्घों के लिए उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा। जब रात होती है तो इन खेतों का एक नया ही रूप सामने आता है। लगता है जैसे ये एक भारतीय सेरेंगेटी हो जो सिर्फ रात के वक्त ही दिखाई देती है। तब यहाँ ये बड़े बड़े मांसाहारी जानवर ऐसे विचरते हैं जैसे हमेशा से यहीं रहते आए हों और इंसान की संगत में रहना इनके लिए बड़ी सहज बात हो। ये बात कितनी भी अजीब क्यों ना लगे, पर फिलहाल ये शेरों का ही देश है। आदमखोर शेरनी को पकड़ने के 2 हफ्ते बाद उसका फैसला हो गया। पता चला कि 4 लोगों ने अचानक उसके पास आकर उसे चौंका दिया था। वो अपने बच्चों के लिए डर गई और उन पर टूट पड़ी। उसने एक आदमी को मार डाला पर उसे खाया नहीं। इसीलिए फैसला किया गया कि वो इंसानों के लिए खतरा नहीं है। उसे आजाद किया जा सकता था, पर किसी और इलाके में जहां आबादी कम हो। यह हादसा किसी और देश में हुआ होता तो इस शेरनी को कब का मार दिया गया होता। स्थानीय लोगों को शेर कबूल है, इसके बावजूद कि वो कभी कभी उनके मवेशी खा जाते हैं। यहां तक कि अगर कभी वो किसी इंसान को भी मार डालें तो यहां उन्हें सजाए मौत नहीं दी जाती। जानवर के लिए इंसान का इससे बड़ा बलिदान और क्या होगा। ये इन्हीं लोगों का हौसला और इंसानियत है जो शेरों के पड़ोस में उनसे मिलजुल कर रह रहे हैं। गिर वन के बाहर का लैंडस्केप किसी मोज़ेक जैसा है जो बिल्कुल सवाना जैसा लगता है, जो कभी शेरों का मूल निवास हुआ करता था।
यहाँ ये सब भी हुआ करते थे, एंटीलोप, हिरण और मवेशी। दोपहर बाद ये शाकाहारी जानवर भी अपने छिपने के ठिकानों से बाहर निकलते हैं और चल पड़ते हैं रात में उजाड़ी गई फसलों को खाने के लिए। राह चलतों के लिए ये एक खूबसूरत नजारा है, पर किसानों के लिए जी का जंजाल है। गेहूं की अभी अभी फूटी कोपलें इन्हें बेहद पसंद है और तिल के लहलहाते खेत देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है। पहले ये शाकाहारी जानवर यहाँ बेखौफ चरा करते थे, पर अब शेर भी यहाँ पहुंच गए हैं। वन विभाग के ट्रैकर्स खेतों और गांवों से गुजरे शेरों के एक बड़े झुंड के पंजों के निशानों के सहारे उनका पीछा कर रहे हैं। निशान एक टीले पर जाकर खत्म होते हैं, जहाँ शेर दोपहर की झपकी लेने के बाद जागने लगे हैं। डूबते सूरज की रोशनी में ये रात के शिकार की योजना बना रहे हैं। ये आसपास के खेतों और गांव पर नजर दौड़ाकर अंदाजा लगा रहे हैं कि आज इन्हें कहां शिकार मिल सकता है। अंधेरा हो जाता है तो चढ़ने वाले जानवरों के झुंड चारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। किसान भी निकल पड़ते हैं खेत उजाड़ने आए हिरणों को डराकर भगाने के लिए, पर इस अमावस की रात में उन्हें हिरण दिखने मुश्किल हैं। घुप अंधेरे में दूर से शिकार को देख पाना शेरों के लिए भी उतना ही मुश्किल है। आज तो कानों के भरोसे ही शिकार करना पड़ेगा और इसमें शेरों का मददगार बनेगा इंसान। किसान आवाजें निकालकर हिरणों को ढूंढते हैं। टॉर्च की लाइट में चमकती हिरणों की आंखें उन्हें दिखाई दे जाती हैं। अब किसान को बस इतना करना है कि हिरण को अपने खेत से बाहर खदेड़ देना है, जो अक्सर पड़ोस के खेत में जाकर चढ़ने लगते हैं। यहां से 3 किलोमीटर दूर मौजूद शेर के लिए तो ये आवाजें जैसे दावत का बुलावा है। वो सब वहीं चल पड़ते हैं जहां से किसानों की आवाजें आ रही हैं। 4 शेरनियां और उनके 8 बच्चे। शेर इन खेतों के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं। इन किसानों की आवाजों से उन्हें अपने मतलब की पूरी जानकारी मिल चुकी है। वो सधे कदमों से दबे पांव शिकार की तरफ चल पड़ते हैं। यहां सूखे पत्ते भी नहीं है जो खरखराकर हिरणों को सावधान कर दें। हिरणों को शेर की गंध मिल चुकी है, पर तारों की रोशनी में उन्हें इतना नहीं दिख पा रहा है कि वो सही दिशा में भागकर जान बचा सके। यहां शेर हिरणों को ऐसे घेर रहे हैं जैसे कभी खुले घास मैदानों में घेरा करते थे। आज शेरनियां शिकार पकड़ेंगी और उनके बच्चे शिकार को दौड़ा दौड़ा कर उनकी तरफ हांकने का काम करेंगे। खेत के सिरे की झाड़ियों में घात लगाए छिप चुकी हैं। जाल पूरी तरह बिछ चुका है।
नन्हे बच्चों को छिपकर शिकार करना अभी नहीं आया है, इसलिए वो खुल्लम खुल्ला हिरणों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बड़ी बेपरवाही से उन्हें छुपी हुई शेरनियों की तरफ हांक रहे हैं। मरते हुए चीतल की आखिरी पुकार सुनकर शेर समझ गए कि आज के खाने का इंतजाम हो चुका है। सबसे पहले सबसे ताकतवर शेरनियों के बच्चों को खाना खाने का मौका मिलता है। पेट खाने के बाद झुंड के सारे शेर वहीं खेत के पास ही आराम करने लगते हैं। ये दृश्य कभी कभार ही देखने को मिलता है और ये नतीजा है कई दशकों के संरक्षण का। जल्दी ही किसान भी यहां पहुंच जाते हैं। वो आसपास मौजूद शेरों से बिल्कुल बेखौफ है। और खुश हैं कि शेरों की बदौलत इन्हें फसल उजाड़ने वाले हिरणों से मुक्ति मिल गई है। बड़ा अनोखा है ये रिश्ता। गुजरात से जीवन दान पाए ये शेर जिन खुले मैदानों में सबसे पहले जन्मे थे, वही का शिकार का तरीका वो यहां भी आजमा रहे हैं। बस घास के मैदानों की जगह यहाँ इंसान के आधुनिक खेतों ने ले ली है। पूरे दक्षिणी गुजरात में ऐसे नजारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हजारों वर्षों के जुल्मों और झड़पों के बाद आखिरकार इंसान और शेर ने अपने मतभेद मिटा दिए हैं, कम से कम अभी के लिए। तो नतीजा ये है कि आज गुजरात में गिर फॉरेस्ट के बाहर बहुत दूर दूर तक शेर पाए जा रहे हैं। इनका इलाका आज 20,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल रहा है। शेर जो कभी गिनती के सिर्फ 20 ही रह गए थे और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, आज उनके पंजों के निशान हर कहीं देखे जा सकते हैं। एशियाई शेर की गुजरात में शानदार वापसी हो चुकी है।